हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो है इंडिया वैक्स वर्सेस निफ्टी 50 या फिर इंडियन मार्केट। अगर कंडीशन देखते हैं तो आजकल इंडिया वैक्स बहुत ही ज़्यादा वॉलाटाइल है और हायर साइड में देखेंगे तो लगभग मोर देन 70% का मूव विद इन 2 वीक कर दिया है। तो ये इतने मूवमेंट क्यों हो रहा है, इसका क्या रिलेशन है, उसको हम देखेंगे। आप नए हैं, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए। लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफ़ी अच्छी वीडियो होने वाली है, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और नए हैं तो एक बार चैनल को बेल आइकन भी दबाना मत भूलिएगा। साथ में टेलीग्राम चैनल का लिंक ऑलरेडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है। यहाँ मैं आपके साथ रेगुलर बेसिस जो कमोडिटी है, क्या मार्केट में न्यूज़ है, क्या इंडिकेटर्स है, वो सारे विषय हम डिस्कस करते रहते हैं। तो यहाँ से भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चार्ट की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो चार्ट पे सबसे पहले हम कंडीशन बात करते हैं, जो इंडिया वैक्स है वो क्या है और क्या उसमें सेंटीमेंट्स बन रहे हैं। सबसे पहले जो इंडिया वैक्स है वो क्या है एक, और उसके विषय में किस तरह से हम वर्क करते हैं। तो इंडिया वैक्स और निफ्टी का रिलेशन कैसा है उसको भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले इंडिया वैक्स क्या है उसको हम देखते हैं। इंडिया वैक्स इज अ वॉलेटिलिटी इंडेक्स बेस्ड ऑन निफ्टी 50 इंडेक्स ऑप्शन प्राइस। ऑप्शन प्राइस के वो बेस होता है फ्रॉम द बेस्ट बिड एंड आस्क, जो बाइंग और सेलिंग होती है, बेस्ट जो ऑप्शन की रहती है प्राइस ऑफ निफ्टी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की रहती है, जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में फ्यूचर में ट्रेड करते हैं कॉन्ट्रैक्ट को। इसको वॉलेटिलिटी परसेंटेज में फिगर आउट होती है और ये कैलकुलेटेड होता है, और साथ में ये जो इंडिकेशन इंडिकेट करता है नेक्स्ट 30 डेज में जो कैलेंडर ईयर कैलेंडर डेज है कैलेंडर मतलब नेक्स्ट 30 ट्रेडिंग डेज में किस तरह से मार्केट परफॉर्म करने की कोशिश कर सकता है। और इसका जो रिलेशन है उसकी बात कर लेते हैं शॉर्ट टर्म में, डिटेल में अभी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो इंडिया वैक्स इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द ऑर्डर बुक ऑफ द निफ्टी ऑप्शंस। निफ्टी ऑप्शंस से ये डायरेक्टली रिलेट करता है। तो बेस्ड ऑन बिड एंड आस्क, जो उसमें बाइंग और सेलिंग, क्योंकि किसी भी मार्केट में जब तक दो लोग नहीं होंगे वहाँ पे वो मार्केट नहीं होता, क्योंकि खाली सेलर बैठे हैं तब भी कुछ नहीं होने वाला, साले बायर बैठे हुए हैं तब भी कुछ नहीं होने वाला, दोनों को होना वहाँ पे एक प्लेटफॉर्म पे ज़रूरी है। नियर मंथ निफ्टी ऑप्शन एंड नेक्स्ट मंथ निफ्टी ऑप्शन, जैसे एक मंथ में 20 डेज का ट्रेडिंग होता है तो ये 30 डेज का लेके चलते हैं। तो इसमें इंडिया वैक्स रिफ्लेक्ट करता है एक्सपेक्टेड वॉलेटिलिटी फॉर द नेक्स्ट 30 डेज। तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट यहाँ पे बना हुआ है। अब इसके विषय में कुछ शॉर्ट डिस्कशन कर लेते हैं। तो निफ्टी जो इंडिया वैक्स है वो क्या जो मार्केट की वॉलेटिलिटी है उसको जनरली रिफ्लेक्ट करता है, और इसको एक साथ फेयर इंडेक्स भी बोलते हैं कि मार्केट में कितना डर का माहौल है वो यहाँ से रिफ्लेक्ट होता है। साथ में अगर दूसरा बात करते हैं यहाँ पे, तो ये मेजरमेंट है जो ट्रेड है आने वाले 30 डेज में निफ्टी 50 कैसे मूव करने वाला है, क्या वॉलेटिलिटी रहती है शॉर्ट टर्म जो 30 डेज का टाइम पीरियड है एज पर कैलेंडर डेज उसमें किस तरह से ट्रेड रहेगा, जस्ट फॉर इसमें मूवमेंट की परसेंटेज वाइज बात करते हैं। और इंडिया वैक्स और निफ्टी 50 एक दूसरे के इन्वर्सली जनरली चलते हैं। अगर एक डायरेक्शन में ऊपर जाता है दूसरा सेकंड डायरेक्शन में मैक्सिमम चांस होता है कि अपोजिट जाने के लिए। अभी देख रहे हैं निफ्टी 50 डाउन साइड जा रहा है और इंडिया वैक्स हायर साइड में जा रहा है। पिछले 2 वीक का आप अगर एंटिसिपेशन करते हैं डेटा को देखते हैं, तो हाई विक्स का मतलब है पोटेंशियल डिक्लाइन इन द स्टॉक ऑफ प्राइस। जो प्राइस है, जो प्राइस का जो 50 टॉप 50 स्टॉक है उसका समराइज जो परसेंटेज है वेटेज है वो है निफ्टी 50। तो अगर स्टॉक्स डाउन होंगे तो डेफिनेटली इंडेक्स भी डाउन होगा, ये इंपॉर्टेंट है। साथ में लोअर विक्स का मतलब होता है कि मार्केट काफ़ी स्टेबिलिटी है, स्टेबल मार्केट है और उसमें जो फेयर है काफ़ी हद तक कम है। लेकिन एज कम्पेयर टू हाई विक्स जैसा अभी चल रहा है, मोर देन 15% को हम हाई विक्स में कंसिडर करते हैं, 10-15% मॉडरेट रहता है, ब्लो 10% या 12% ले लेते हैं, 12% से नीचे का एक जनरल रेंज रहता है कि मार्केट काफ़ी स्टेबल है। तो हायर विक्स है तो वहाँ पे मार्केट बहुत ही अनसर्टेन है और फेयर भी मार्केट में कुछ ज़्यादा ही बना हुआ है। और अब हम मार्केट मूड इंडेक्स भी देखेंगे तो वहाँ भी आपको कुछ और सेंटीमेंट देखने को मिलेंगे। अब चार्ट की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। पिछले 2 वीक में थोड़ा चार्ट को मैं बड़ा करता हूँ, ये मैंने निफ्टी 50 का चार्ट ओपन कर रखा है। इसको डिटेल में अभी रुक के डिस्कस करें, पहले हम कंडीशन देख लेते हैं। ये देख रहे हैं हम जो निफ्टी 50 है
2024 से अभी तक का मूव हम देखते हैं, ईयर ऑन ईयर मूव देखेंगे और उसके साथ में विक्स की चाल भी देखने की कोशिश करेंगे। तो थोड़ा सा मैं इसको और बड़ा करता हूँ। तो अभी फ्रेंड्स अगर आप देख रहे हैं निफ्टी विक्स जो है 12 से लेके 16 के बीच में मैक्स ज़्यादातर टाइम से 15 के बीच जब ट्रेड किया है, तो अगर आप देख रहे हैं लगातार मार्केट एक अच्छे रेंज में बनता हुआ देखने को मिला है। और उसके बाद में जब ये इसको ब्रेकआउट किया है 15-16 को ब्रेकआउट किया है, उसके बाद में ज़बरदस्त फॉल भी हुआ है, लगभग 2% से ज़्यादा का मोमेंटम डाउन साइड का हो चुका है। अगर इसको हायर साइड से अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो ये 22,800 के आसपास से अभी ये नीचे आ चुका है लगभग 4% के अराउंड में। तो इतना अगर डाउन मूव आया है तो इसके कंपैरिजन में अगर विक्स को हम देखने की कोशिश करते हैं तो विक्स कितना हायर साइड में ट्रैक किया है, लगभग इसका मूव अगर देखते हैं आप 74% आसपास इसने मूवमेंट हायर साइड की किया है। तो इसका क्लियर इंडिकेशन यही है कि कहीं ना कहीं मार्केट में एक डर का माहौल बना हुआ है। और डर का माहौल इस वजह से है क्योंकि इलेक्शन चल रहे हैं, इलेक्शन बहुत ही अनसर्टेन होता है और जैसा हमेशा इलेक्शन में काफ़ी शोर हुआ करता था वो इस समय नॉइज इलेक्शन में नहीं देखने को मिली। सभी लोग एंटिसिपेशन में लगे पड़े हैं कि एक स्टेबल गवर्नमेंट बननी चाहिए। अब स्टेबल गवर्नमेंट किसकी बनती है वो अलग मैटर है, लेकिन अभी मार्केट का मूड थोड़ा सा डिस्टर्ब ही लगता हुआ देखने को मिला। अब नेक्स्ट चलते हैं 2023 का मूड देखते हैं। 2023 में एंट्री हम करने वाले हैं, ये लगभग 2023 की चाल है। निफ्टी विक्स की अगर आप देखते हैं तो एक रेंज बना के बाद धीरे से ऊपर निकला है। अब हम चलते हैं 2024 में। कंडीशन अगर आप देखोगे चाल यहाँ पे जैसी भी मार्केट ने बनाई है, 2023 का स्टार्टिंग यहाँ से होता है, एक रेंज में है, यहाँ भी एक रेंज में ट्रेड कर रहा है 15-16 के आसपास। उसके बाद में जब एक डाउन मूव दिखाता है थोड़ा यहाँ स्पाइक देखने को मिलता है, फिर जहाँ पे हायर साइड में जा रहा है सेकंड चार्ट में, इस चार्ट में आप देखोगे तो ये हायर साइड में जा रहा है, तो इस चार्ट में इंडिया निफ्टी नीचे की तरफ जा रहा है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं एक दूसरे के रिलेशन में चलते हैं ये दोनों, ये आपको ध्यान रखना है। और काफ़ी हद तक ये एक वॉलेटिलिटी को देखने को मिलती है, जो ऑप्शंस बायर होते हैं उनको वॉलेटिलिटी से बहुत प्यार होता है, जितना वो वॉलेटाइल मार्केट रहेगा उतना अच्छा उनके लिए रहेगा। और यही अगर कोविड के टाइम पे अगर आप जाते हैं तो कोविड के टाइम में निफ्टी जहाँ ये डाउन साइड के लिए जा रहा था वहीं विक्स ऑल टाइम हाई के आसपास भी ट्रेड करने की कोशिश कर रहा था। थोड़ा सा हम बैक साइड चलते हैं, ये आप देख रहे हैं जो कोविड का टाइम है, वॉलेटिलिटी देखिए हायर साइड की थी तब लगातार हायर साइड मार्केट कर रहा था, और उस समय जो इंडियन मार्केट था लोअर साइड कर रहा था। यहाँ अगर आप देख रहे हैं तो जब इसमें एक जगह पे हायर साइड जा रहा है दूसरी साइड में ये लोअर साइड में मार लगातार वन बाय वन कर रहा, फिर जब यहाँ पे मोमेंटम चेंज हुआ एक बॉटम क्रिएट हुआ उसके बाद में ये लगातार डाउन साइड में आ गया, फिर धीरे धीरे करता हुआ ये लगभग 10 से लेके 15-16-18-20 के राउंड में ट्रेड किया। तो उस टाइम में यहाँ भी आपने देखा काफ़ी हद तक मार्केट में ऐसा कुछ बना कि मार्केट एक रेंज में बनता रहा। अब यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं हायर टाइम पे जब मार्केट पहुँचा है उसके बाद में जब एक करेक्शन फेज आया है उस टाइम में निफ्टी विक्स दोबारा से हायर साइड में जाने लगा है। अगर यहाँ पे आप देख रहे हैं तो कोई चीज़ 100% नहीं होती है, प्रोबेबिलिटी बेस होती है, तो ये आपको देखना दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। तो हमें अगर आप ऑप्शन बायर हैं और स्टॉक में ट्रेड करना चाह रहे हैं तो इसमें टाइम अच्छा अच्छे स्टॉक को पिक करिए, उसी में इन्वेस्ट करिए। जनरली पेनी स्टॉक और अदर स्टॉक के विषय में बचने की कोशिश करेंगे, उसमें कम से कम कैपिटल रखेंगे, अच्छे पोटेंशियल वाले स्टॉक को पिक करिए और उसमें आप ट्रेडिंग का प्लान करिए। क्योंकि मार्केट में जब अभी न्यूज़ जो है जून में 4 जून को रिजल्ट आना है, रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद में दोबारा स्टेबल हो जाएगा, फिर फर्दर नेक्स्ट डायरेक्शन डिसाइड करेगा। स्टेबल गवर्नमेंट बनते ही एक हमें नया हाई देखने को मिलेगा, उसके बाद में कुछ करेक्शन फेज देखने को मिल सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप आपको विक्स के विषय में कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग हुई है तो ज़रूर आप एक बार लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। साथ में एक कंडीशन मैं आपके साथ और शेयर करता हूँ, जो निफ्टी है वो कहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। मैं जो लगातार आपके साथ शेयर कर रहा था, डिस्कस कर रहे थे कि दो चैनल चल रहे हैं फ्रेंड्स, एक बड़ा चैनल है एक छोटा चैनल है। बड़े चैनल का ब्रेकडाउन हो चुका है
और वो ब्रेकडाउन जो एक सपोर्ट लेवल था उससे भी नीचे निकलता हुआ अभी ऐसे जगह पे खड़ा है कि इसके लिए 21,800 का लेवल इम्पोर्टेंट बना हुआ है। अगर डेली टाइम फ्रेम में आप देखते हो तो जो मैंने आपके साथ रेंज या फिर चैनल शेयर कर रखा सारे वर्क्स करते हैं। आप कहीं भी देखेंगे एक वर्क अच्छा किया है उसके बाद में डाउनसाइड मूव किया है, अब इसका अगर फॉलो पाता है तो डेफिनेटली ये जोन इसके लिए इम्पोर्टेंट होगा जो कि 21,600 से लेके 21,800 का लेवल है। इनके से ब्रेक होता है तो फिर मार्केट में ज़्यादा ब्लडबाथ होने के चांसेस बनेंगे। ये लगभग 150 पॉइंट अभी ऊपर है, थोड़ा सा और नीचे आके फिर ये मूव करता है, फिर स्टेबल होता है तो बेटर कंडीशन बनने की कोशिश करेंगे। लेकिन रिस्क रिवार्ड के बेस में हमेशा ट्रेड करिए, कम से कम क्वांटिटी में मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करने का प्रयास करिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग एंड